नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। जमनिया कोतवाली पुलिस ने रविवार की रात दुरहिया के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 बछिया और 2 बाछा बरामद किया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे, इसी दौरान करीब रात 8 बजे दुरहिया गांव के पास पशु तस्कर आफताब कुरैशी, फिरोज कुरैशी और सरफराज कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1 बछिया और 2 बाछा बरामद किया गया। अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल सकेंद्र सिंह, कांस्टेबल कुलदीप सरोज, कांस्टेबल दिनेश कुमार, कांस्टेबल फुजैल, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल रत्नेश कुमार और कांस्टेबल गोविंद निर्मल शामिल थे। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा एवं भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने हीराधरपुर में आवास शौचालय निर्माण में गड़बड़ी कर विकास मद में की गई लूट की जांच कराने, रिहायशी झोपड़ी लगाकर आबाद सभी गरीबों को जमीन सहित आवास देने, रसोई गैस डीजल की कीमत हाफ करने, बिजली बिल माफ करने, गांव समाज बंजर की जमीनों से दबंगों का अवैध कब्जा हटाकर भूमिहीन दलितों गरीबों में आवासीय पट्टा करने आदि सवाल को लेकर सैदपुर तहसील के हीराधरपुर गांव में सोमवार को धरना दिया। चेतावनी दिया कि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव राम प्यारे राम, नंद किशोर बिंद, बेचू बनवासी, रामजन मुन्ना बनवासी, बबलू बनवासी, जमुना गौड़ आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता लालचंद बनवासी तथा संचालन मुन्ना बनवासी ने की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने नायब तहसीलदार को 14 सूत्री मांगों का पत्रक सौंपा। दिए पत्रक में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की सेवा नियमावली बनाई जाए। 62 वर्ष पार कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को जबरन कार्यमुक्त किया गया, उस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए और इनके सेवानिवृत्त 65 वर्ष की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को उनके सेवानिवृत्त अथवा सेवा च्युत होने पर पेंशन फंड नियामक एवं विकास आयोग से 5,00,000 एक मुश्त विदाई उपहार दिया जाए अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 5,000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक संभव नहीं हो तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 18,000 प्रति माह तथा सहायिकाओं को न्यूनतम 9,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए। इसके अलावा अन्य मांगे की पत्रक देने के दौरान अध्यक्ष आशा पटेल, उप जिलाध्यक्ष रेखा पासवान, ब्लॉक अंजू चतुर्वेदी, रीता देवी, अनीता वर्मा, अनीता गुप्ता, सीमा मौर्य आदि मौजूद रहीं। बहरियाबाद कस्बा स्थित सुभाष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज व महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय बजनाथ सहाय की 5वीं पुण्यतिथि विद्यालय परिसर में हवन पूजन व उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य छोटे लाल मौर्य ने स्वर्गीय सहाय आजीवन देश व समाज के लिए समर्पित रहे। इस अवसर पर प्रबंधक अजय सहाय, आशीष सहाय, रामाश्रय मिश्र, अमित सहाय, राम प्रकाश, निसार अहमद फैज, राम परट, खूबचंद यादव, राम प्यारे प्रजापति आदि मौजूद रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद गाजीपुर की एक आवश्यक बैठक आज सुबह 5 अक्टूबर को दिन में 2 बजे से विकास भवन में संपन्न हुई, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष धनंजय तिवारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रशासन द्वारा एक परिपत्र जारी कर विभाग में 50 साल से ऊपर की उम्र वाले कर्मी और 30 साल से ऊपर वाले कर्मियों की दक्षता प्रमाणित न होने पर छटनी करने अर्थात अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने हेतु एक कमेटी बनाकर प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य कर्मियों को मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया है। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, पारितोषिक दिया जाना चाहिए, लेकिन इसकी जगह प्रशासन द्वारा एक भयाक्रांत करने वाले आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसका परिणाम पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। प्रदेश के सभी कर्मचारी अत्यंत आक्रोशित है, जिसके क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय आह्वान पर दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा गाजीपुर द्वारा विकास भवन परिसर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त बैठक में अरविंद सिंह, विजय शंकर, राकेश कुमार पांडे, अरुण श्रीवास्तव, अश्विनी सिंह, अजीत नाथ, विजेता ओम प्रकाश यादव, चंदन, सुशील कुमार पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव और बैठक का संचालन ओंकार नाथ पांडे ने किया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।